हद कर दी आपने। बापूजी आपकी कृपा से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार घटित हुए हैं, हो रहे हैं। आपके संकल्प मात्र से क्या हो जाता है, किंतु आप स्वयं अपने लिए अर्थात अपने स्थूल रूप को जेल से बाहर लाने के लिए कोई संकल्प नहीं करते। हद कर दी बापू आपने। 8 वर्ष हो रहे बापू आपको जेल गए। आपके शरीर को हो रहे कष्ट से हम करोड़ों भक्तों को जो दुख हो रहा है उसकी तो चिंता कीजिए, हम पर दया कीजिए। बहुत हो चुका बापूजी, अब हम पर तरस खाइए। देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी राजनेताओं से भी मैं कहूंगा कि हद कर दी आपने। बड़े से बड़े गुनाहगार भी आजाद घूमते हैं और जेल में कैद हुए बड़े बड़े आतंकवादियों को बिरयानी मिलती है हमारे देश में, और एक 84 वर्षीय संत को बेल नहीं, पैरोल नहीं, बीमार होने पर सही ट्रीटमेंट नहीं। इतना अन्याय, इतना अत्याचार, और आप में से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी नहीं दी आपने इस विषय में कभी। न्यायपालिका से भी कहना चाहूंगा कि हद कर दिया आपने। हम न्यायपालिका का बहुत आदर करते हैं, किंतु दुख है हमें इस बात का कि हमारे देश में न्यायपालिका कब आदर करेगी निर्दोष संत का। एक 84 वर्षीय संत कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोक मंगल के लिए समर्पित कर दिया, उनके उपचार के लिए भी याचिका डाली जाती है तो सुनवाई नहीं होती, तारीख पर तारीख दी जाती है। गुनाहगारों के लिए, दोषी नेता अभिनेताओं को बेल देने के लिए कोर्ट को विशेष रूप से शुरू रखा जाता है, और एक वृद्ध संत के मामले में सुनवाई भी सही रूप से नहीं होती, बस तारीख पर तारीख दी जाती है। हद कर दी आपने। सब न्यायालयों से ऊपर भी एक न्यायालय है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, सीधा फैसला आ जाएगा उसमें, और वो फैसला भी सुनाया नहीं जाएगा, सीधे सजा भुगतने पर मजबूर किया जाएगा। निर्दोष संत पूज्य श्री आशाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय के लिए जो जो भी जिम्मेदार है, बापू पर हो रहे अत्याचार में जो जो भी जिम्मेदार है, उन सभी को निकट भविष्य में सजा भुगतनी ही पड़ेगी, सजा भुगतनी ही पड़ेगी, और वो सजा बहुत बहुत भयंकर होगी, बहुत भयंकर होगी। पूज्य बापू जी दयालु है इसलिए सबको माफ कर भी देंगे, किंतु ईश्वर और उनकी प्रकृति माफ नहीं कर सकती संत के अपराधियों को, नहीं कर सकती। हरिओम।